हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड फाइनेंस का चैप्टर 2.5 जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के ऊपर है। फ्रेंड, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जो है, इसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से। तो यूसीपी में 600 में जो आईसीसी का ब्रोचर है, उसमें एलसी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है कि एनी अरेंजमेंट हाउ एवर नेम्ड और डिस्क्राइब दैट इज इरिवोकेबल एंड देयर बाई कंस्टिट्यूट ए डिफिनेट अंडरटेकिंग ऑफ द इशुइंग बैंक टू ऑनर ए कम्प्लाइंग प्रेजेंटेशन। कोई भी अरेंजमेंट जो कि इरिवोकेबल होता है, इरिवोकेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट या कैंसिलेशन जो है वो बिना पार्टी के कंसेंट के नहीं किया जा सकता है। और ये एक डेफिनेट अंडरटेकिंग होता है जो कि इशुइंग बैंक देती है कि वो उसमें जो भी प्रेजेंटेशन है उस एलसी के अंदर वो उसको कंप्लाई करेगी और ऑनर करेगी। तो एलसी जो है वो एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कि बैंक जो है वो कस्टमर के रिक्वेस्ट के ऊपर एक्ट करती है और वो अंडरटेक लेती है कि वो थर्ड पार्टी को पे करेगी उसके बिहाफ में। और ये पेमेंट जो है वो अगेंस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें जिस भी गुड्स या सर्विसेज के लिए जो ट्रेड किया जा रहा है उसके डिस्पैच की, सप्लाई की और जो सारे जो है वो वैल्यू वो उसमें मेंशन होंगे। तो एलसी में जो बैंक होती है वो नॉर्मली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करती है, ना कि गुड्स में। प्रोहिबिटिव फॉर द बैंक्स टू फिजिकली चेक, बैंक जो है वो गुड्स को फिजिकली चेक नहीं करती है लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो यहां जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बेसिस होगा। तो किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन से पार्टी होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एप्लीकेंट, जिसको कि एलसी का ओपनर भी कहा जाता है। तो ये जो एप्लीकेंट होता है वो गुड्स का बायर होता है, जो गुड्स परचेज कर रहा है, और इसको हम लोग इम्पोर्टर भी कहते हैं, जो कि बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा। एलसी जो है इज इनिशिएटेड एंड इशूड एट हिज रिक्वेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन। तो जो इम्पोर्टर है वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा, जिसके बेसिस पे एलसी इशू किया जाएगा। फिर है इशूइंग बैंक, यानी कि ओपनिंग बैंक, ऐसी बैंक जो एलसी को इशू करेगी। तो ये एलसी को इशू करती है और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्रिएट करती है और अंडरटेक देती है कि वो उसके बिहाफ में बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा। अब आता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है फ्रेंड? बेनिफिशियरी जो है जो गुड्स सेल कर रहा है वो बेनिफिशियरी होता है, यानी कि इसको हम लोग एक्सपोर्टर भी कहते हैं, जो कि जो एप्लीकेंट है हमारा, जो सेलर है, सॉरी जो बायर है, उससे वो पेमेंट रिसीव करेगा। एक क्रेडिट जो है वो भी इसको इशू होता है एक्सपोर्टर को, हिज फेवर टू इनेबल हिम और हिज एजेंट टू ऑब्टेन पेमेंट ऑन सरेंडर ऑफ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट एंड कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एलसी। उसको शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट भी जो है अवेल कराया जाता है, जो कि जब वो डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर करेगा और जब पेमेंट उसको मिलेगी तब जाके वो क्रेडिट जो है वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा। अगर एलसी ट्रांसफरेबल है तो जो बेनिफिशियरी का जो क्रेडिट है वो अनदर पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो पहला बेनिफिशियरी होता है ट्रांसफरेबल एलसी में उसको हम लोग फर्स्ट या ओरिजिनल बेनिफिशियरी भी कहते हैं। फिर है एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक उस बैंक को कहते हैं जो कि बेनिफिशियरी को जो एलसी इशू किया गया है उसको वो एडवाइज करती है। इसका मतलब वो उस एलसी के जेन्युइननेस को एश्योर करती है। और ये नॉर्मली जहां का, जिस कंट्री का बेनिफिशियरी होता है उसी कंट्री में जो एडवाइजिंग बैंक है वो सिचुएटेड होती है। एडवाइजिंग बैंक मे बी करिस्पोंडेंट बैंक ऑफ द इशूइंग बैंक, और ये इशूइंग बैंक का करिस्पोंडेंट बैंक भी हो सकती है, और कुड बी स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द बेनिफिशियरी, या अगर बेनिफिशियरी चाहे तो किसी और बैंक को भी एडवाइजिंग बैंक जो है वो रख सकता है। फिर है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कंफर्मिंग बैंक जो है वो एलसी के ऊपर अपना एक कंफर्मेशन जो है ऐड करती है और उसको अंडरटेक करती है, तो उसी को हम लोग कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है कि जो पेमेंट या निगोशिएशन या एक्सेप्टेंस जो भी है एलसी का वो उसको कंफर्म करेगी, इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक तो उसको कंफर्म करता ही है, साथ में कंफर्मिंग बैंक का एक और उसमें जो है कंफर्मेशन ऐड हो जाता है।
है नेक्स्ट निगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक। निगोशिएटिंग का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एलसी में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इसको वो निगोशिएट करेगी यानी कि चेक करेगी, और एलसी में आइदर स्पेसिफाई द निगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक। जिस एलसी में निगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक जो मेंशन रहेगा उसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड निगोशिएशन कहते हैं, या एक्सपोर्टर जो है वो फ्री होता है, वो किसी भी बैंक को बैंक से जो है एलसी को निगोशिएट करा सकता है, तो उस तरीके के हम लोग एलसी को अनरेस्ट्रिक्टेड निगोशिएशन बोलते हैं। फिर है रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक जो होता है ये बैंक इज द बैंक ऑथराइज टू ऑनर द रिम्बर्समेंट क्लेम, यानी कि जो एलसी का रिम्बर्समेंट होगा उसको ये ऑनर करेगी। द बैंक विथ विच इशूइंग बैंक हैज एन अकाउंट, और इस बैंक के साथ जो इशूइंग बैंक होती है जिसने एलसी इशू कर रखा है उसका अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है। इशूइंग बैंक जो है वो रिम्बर्सिंग बैंक का रोल जो है प्ले कर सकती है। फिर है सेकेंड बेनिफिशियरी। सेकेंड बेनिफिशियरी ऐसे पर्सन को कहते हैं इन हुज नेम द फर्स्ट और ओरिजिनल बेनिफिशियरी ऑफ क्रेडिट हैज ट्रांसफर्ड द क्रेडिट, यानी कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होता है तो वो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा तो जो फर्स्ट बेनिफिशियरी होगा उसको हम लोग फर्स्ट बेनिफिशियरी कहेंगे, और सेकेंड टाइम जिसको ट्रांसफर किया जाएगा उसको हम लोग सेकेंड बेनिफिशियरी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर बैंक कम्युनिकेशन। अब इंटर बैंक कम्युनिकेशन जो है वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को काफी स्पीडी तरीके से और कॉन्फिडेंटली उसको प्रोसेस करने के लिए जो है स्विफ्ट का यूज करती है। स्विफ्ट जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को काफी सिक्योरली और रिलायबली तरीके से जो है वो एक्सचेंज करता है, और एक कैटलिस्ट की तरह भी ये एक्ट करता है। स्विफ्ट जो है वो अपने कस्टमर को इनेबल करता है कि वो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको ऑटोमेटेड तरीके से और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में जो है वो प्रोसेस करती है, जिससे कि ट्रांजेक्शन का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कॉस्ट जो है काफी कम होता है और ऑपरेशनल रिस्क भी इसमें काफी कम हो जाता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है, और इसके ऑफिस जो है वर्ल्ड के मेजर फाइनेंशियल सेंटर में और डेवलपिंग मार्केट्स में जगह जगह पे है। तो स्विफ्ट में जो मैसेज यूज होता है फ्रेंड्स, उसमें जो MT 700 सीरीज का मैसेज है वो सिर्फ एलसी ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और जो MT 800 है वो ट्रेवलर्स चेक्स के लिए यूज होता है, और MT 300 जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डील में यूज किया जाता है। अभी अराउंड 89 डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस हैं जो कि स्विफ्ट में अवेलेबल है। इंडिया में स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज यानी कि स्विफ्ट इंडिया जो है वो 7 मार्च 2014 को लॉन्च किया गया था, जो इंडिया के जो भी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और जो फॉरेन ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको ये रेगुलराइज करता है। अभी है लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस फ्लो। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है फ्रेंड्स कि लेटर ऑफ क्रेडिट में प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेंट है एलसी का यानी कि जो बायर है वो अपने बैंक के पास गया, बायर या इम्पोर्टर जो भी है वो अपने बैंक के पास गया जो कि इशुइंग बैंक है, उसको वो रिक्वेस्ट किया एलसी ओपन करने के लिए। इशुइंग बैंक जो है उसने एलसी ओपन किया, ओपन करने के बाद उसने एडवाइजिंग बैंक के पास उसको भेजा, एडवाइजिंग बैंक ने उस एलसी को एडवाइस किया, एडवाइस करने के बाद वो एक्सपोर्टर के पास उसको भेज दिया। एक्सपोर्टर उसके बाद क्या करता है कि ये जो गुड्स है गुड्स को शिप करता है। शिप करने के बाद जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग जो भी है वो फिर निगोशिएटिंग बैंक को देता है। निगोशिएटिंग बैंक क्या करती है, वो उस डॉक्यूमेंट को निगोशिएट करती है, निगोशिएशन के बाद वो इसको कंफर्मिंग बैंक के पास भेजती है। कंफर्मिंग बैंक जो है वो भी उसको वहां पे चेक करेगी, और उसके बाद ये उस डॉक्यूमेंट्स को इशूइंग बैंक के पास भेज देगी। इशूइंग बैंक फिर क्या करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर सही है, इन ऑर्डर है, तो वो रिम्बर्सिंग बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम उसको पेमेंट जो है वो रिलीज कर दो। तो रिम्बर्सिंग बैंक फिर जो है वो निगोशिएटिंग बैंक को जो रिम्बर्समेंट है वो निगोशिएटिंग बैंक को भेजेगा। फिर निगोशिएटिंग बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को पैसा का पेमेंट कर देगा। उसके बाद जो इशुइंग बैंक है, इशुइंग बैंक जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टर को रिलीज करेगी,
उसके बाद इम्पोर्टर जो है उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो भी ट्रांसपोर्ट कैरियर है उसके पास जाएगा और वहां से वो गुड्स की डिलीवरी ले लेगा। तो ये एलसी का जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो है। तो इसी को प्रोसेस डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन करके दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला है उसमें बायर और सेलर जो है वो टर्म्स पे जो उनका सेल का जो टर्म कंडीशन है उस पर एग्री होंगे और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन दोनों के बीच होगा। बायर जो है वो अपने बैंक को जाकर के कहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए किसके फेवर में, सेलर के फेवर में। तो बायर जो है बायर को लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए जिसमें कि वो उसको कैश कोलेट्रल दे सकता है, जितना अमाउंट का एलसी है उतने अमाउंट का। बायर का बैंक जिसको कि हम लोग इशूइंग बैंक भी कहते हैं वो उसके बिहाफ में लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रिपेयर करेगी, जिसके लिए उसको जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। इसमें कस्टम क्लियरेंस के जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मेंशन होना चाहिए। और जिस करेंसी में ये एलसी जो है इशू होगा वो करेंसी उसमें मेंशन होना चाहिए, जिस करेंसी में जो है ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन होगा वो जो करेंसी है वो एलसी में मेंशन होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जो है वो एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज में जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, या सॉरी एक नॉर्मल जो लैंग्वेज है जो उस कंट्री में जहां पे ट्रेड हो रहा है उस कंट्री का वो लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर अगर कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अभी बायर क्या करेगा कि बायर जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसने अपने इश्यूइंग बैंक से लिया है वो उसको एडवाइजिंग बैंक के पास भेजेगा जो कि सेलर के कंट्री में होगा। एडवाइजिंग बैंक ये बैंक जो है अ पर्टिकुलर बैंक बी द एडवाइजिंग बैंक, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक जो एडवाइजिंग बैंक हो सकती है, बायर का बैंक जो है वो सिलेक्ट कर सकता है अपने किसी करेस्पॉन्डेंट बैंक जो कि सेलर की कंट्री में, उसको भी वो एज अ इशूइंग बैंक जो है सॉरी एज अ एडवाइजिंग बैंक जो है उसको सिलेक्ट कर सकता है, या फिर अगर सेलर चाहे तो किसी और बैंक को भी वो एडवाइजिंग बैंक रख सकता है। एडवाइजिंग बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को सेलर के पास ट्रांसफर करेगी या फॉरवर्ड करेगी, उसके बाद उसके जो ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी फॉरवर्डिंग करने से पहले पहले वो चेक करेगी कि डॉक्यूमेंट सारे जो है एज पर एलसी कॉन्ट्रैक्ट वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो सेलर को फॉरवर्ड करेगी। सेलर जो है वो सारे कंडीशंस को रिव्यू करेगा, अगर जो सेलर है वो अगर देखता है कि इसमें कोई भी अगर कोई उसको मॉडिफिकेशन चाहिए या एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एलसी नहीं है तो वो उसको इमीडिएटली बायर के पास भेज सकता है और उसमें जो रिक्वायर अमेंडमेंट उसको चाहिए उसके लिए वो बायर को बोल सकता है। आफ्टर फाइनल टर्म्स आर एग्रीड अपॉन द सेलर रेडीज द गुड्स एंड अरेंज फॉर शिपमेंट, अगर एलसी में सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके बाद सेलर क्या करेगा कि गुड्स की शिपमेंट को वो अरेंज करेगा और गुड्स को शिप कर देगा। शिप करने के बाद जो भी उसके ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लेडिंग या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं वो उसको ले लेगा। उसके बाद सेलर क्या करेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को निगोशिएटिंग बैंक के पास प्रेजेंट करेगा। निगोशिएटिंग बैंक इस सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, देखेगी कि ये सारे ऑर्डर में है या नहीं है, उसके बाद फिर वो उसको इश्यूइंग बैंक के पास डिस्पैच करेगा। अगर कोई कंफर्मिंग बैंक है इस ट्रांजेक्शन के अंदर तो निगोशिएटिंग बैंक उसको कंफर्मिंग बैंक के पास भेजेगा या फिर वो डायरेक्टली उसको इश्यूइंग बैंक के पास भेज देगा। उसके बाद निगोशिएटिंग बैंक जो है एक रिम्बर्समेंट क्लेम रेज करेगा रिम्बर्सिंग बैंक को। रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो इश्यूइंग बैंक भी हो सकता है फ्रेंड। फिर रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट कर देगी जैसा एलसी में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा या इश्यूइंग बैंक का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जब निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट मिलेगा तो वो इस पेमेंट को बेनिफिशियरी के पास ट्रांसफर कर देगा। फिर इश्यूइंग बैंक को जब डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा तो जो बायर है जो जिसने गुड्स परचेज किया है वो उसको नोटिस करेगा, नोटिस भेजेगा कि आपका डॉक्यूमेंट आ गया है। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो अगर एलसी कंप्लायंट है, सब कुछ उसमें ठीक ठाक है, तो जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद बैंक को पेमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लेगा। उसके बाद वो जाके शिपमेंट
को अपने पोजीशन में ले सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके ट्रांसपोर्ट कैरियर के पास। तो ट्रांसफर ऑफ फंड जो है वो कैसे होगा, बायर जो है वो इशुइंग बैंक को देगा, इशुइंग बैंक जो है वो सेलर के बैंक को देगा और सेलर का बैंक जो है वो सेलर को पैसे ट्रांसफर करेगा और ये सेम टाइम पे हैंडल होगा और इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन जो पहले से एग्रीड हुए हैं वो उसी के बेसिस पे जो है फंड का ट्रांसफर किया जाएगा। सेम बैंक मे प्ले द रोल ऑफ एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक एंड द कंफर्मिंग बैंक, यानी कि एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक जो है वो इशुइंग बैंक हो सकता है। फिर है अमेंडमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब किसी लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर कोई अमेंडमेंट का केस है तो वहां पे क्या करना है, तो सेलर को सबसे पहले वो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है वो भेजेगा, उसके बाद बायर जो है वो अपने बैंक को ऑर्डर इशू करेगा उस एलसी को अमेंड करने के लिए, फिर बायर बैंक जो है वो सेलर के बैंक को नोटिफाई करने के बाद, अमेंड करने के बाद उसको नोटिफाई उसको एडवाइजिंग बैंक जो है उसके पास भेज देगा। सेलर का बैंक जो है वो अगर देखेगा कि अमेंडमेंट जो है वो सही है तो वो फिर सेलर को नोटिफाई करेगा। नेक्स्ट है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टीज टू ए लेटर ऑफ क्रेडिट। किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं और उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है एक यूनिफॉर्म कस्टमर एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यूसीपी 600 है जो कि 1 जुलाई 2007 को दिया गया था, उसमें उसको कोडिफाई किया गया है जिसमें सारे पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही डील करेंगे, ना कि गुड्स में डील करेंगे या सर्विसेज में या परफॉर्मेंस में डील करेंगे। बैंक्स जो है बैंक्स आर इन नो वे कंसर्न विद और बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट। बैंक जो है इसमें जो एलसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बैंक का कोई भी वो बाउंड नहीं होता है, अगर उसने क्रेडिट भी दिया हुआ है तो भी उसकी बाउंडेशन नहीं है। ये एक्सपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को शिप करेगा और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए है कि वो जो है गुड्स को शिप करने के बाद जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो बैंक को डिलीवर कर देगा। निगोशिएटिंग बैंक जो है वो इंटाइटल्ड होती है, ये रिम्बर्समेंट जो है वो रिसीव करती है ओपनिंग बैंक से पेमेंट के लिए और उसको पेमेंट एक्सेप्टेंस और निगोशिएशन तीनों के लिए जो है वो रिम्बर्स एज अ रिम्बर्समेंट जो है वो रिसीव करेगी ओपनिंग बैंक से। ओपनिंग बैंक को ये राइट है कि वो क्लेम करके पेमेंट जो है जो एलसी का जो ओपनर है जो बायर है जिसने एलसी ओपन कराया है उससे वो पेमेंट जो है रिसीव करेगी डॉक्यूमेंट देने के बाद। अब इंटरमीडियरी बैंक का क्या काम है, इंटरमीडियरी बैंक जो कि निगोशिएट कर रही है जो एलसी है उसको अगर उसने निगोशिएट किया है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको कहा जाएगा और जो ओपनिंग बैंक है जो कि रिम्बर्स करेगी निगोशिएटिंग बैंक को उसे हम लोग सेकेंड होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर वैल्यू बोलते हैं। अभी इम्पोर्टर जो है वो अपने बैंक को बोलेगा लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इन फेवर ऑफ हिज ओवरसीज सप्लायर ओपन करने के लिए। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगी इन फेवर ऑफ सप्लायर, एडवाइजिंग बैंक उस एलसी को एडवाइस करेगी और सेटिस्फाई करेगी कि जो भी क्रेडिट है उसका ऑथेंटिसिटी सही है या नहीं है, उसके बाद ये बेनिफिशियरी को फॉरवर्ड करेगी। बेनिफिशियरी यहाँ पे एक्सपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि उसके सारे टर्म्स कंडीशन जो है एज पर सेल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, अगर जरूरत हो तो वो इम्पोर्टर से उसमें जरूरी जो अमेंडमेंट है वो करवा सकता है। उसके बाद वो शिपमेंट करेगा गुड्स को, शिपमेंट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बिल है वो उसको ड्रॉ करेगा अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट जो है वो ऑब्टेन करेगा निगोशिएटिंग बैंक से। निगोशिएटिंग बैंक जब उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो वो चेक करने के बाद जो लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स कंडीशन के बेसिस पे उसको चेक करेगा सब कुछ सही है या नहीं है, अगर वो इन ऑर्डर है तो वो एक्सपोर्टर को बिल का पेमेंट कर देगा। उसके बाद ओपनिंग बैंक जो है ये सारे डॉक्यूमेंट और बिल्स जो है वो निगोशिएटिंग बैंक से रिसीव करेगा। ये ओपनिंग बैंक इम्पोर्टर्स का बैंक होता है जिसने एलसी ओपन कर रखा है। उसके बाद जो ओपनिंग बैंक है वो इम्पोर्टर के पास ये बिल भेजेगा एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए और उसके बाद उसे पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। इम्पोर्टर जो है बिल रिसीव करने के बाद उसको एक्सेप्ट करेगा या पे करेगा और उसके बाद उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो भी गुड्स उसने परचेज किया हुआ है। तो ये पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा ट्रांजेक्शन जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे 8 जो है पॉइंट्स में दिया हुआ है।
अभी है टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला जो है वो है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है बिना अदर पार्टीज को नोटिस दिए हुए। और इस तरीके का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो काफी रेयरली यूज होता है। नॉर्मली जो जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो इरिवोकेबल होते हैं। तो यूसीपी 600 में सारे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है नॉर्मली जो है बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल होते हैं। आर्टिकल 3 में इसको कहा गया है कि अ क्रेडिट इज इरिवोकेबल इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू द इफेक्ट, यानी कि उसमें अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कहा जाएगा। और आर्टिकल 10 में ये कहा हो गया है कि क्रेडिट कैन नाइदर बी अमेंडेड नॉर कैंसिल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द इशुइंग बैंक, द कन्फर्मिंग बैंक इफ एनी एंड द बेनिफिशियरी, यानी कि कोई भी एलसी जो है वो कब कब अमेंड किया जाएगा उसमें किसका कंसेंट लगेगा, इशुइंग बैंक का, अगर कोई कन्फर्मिंग बैंक है तो उसका भी कंसेंट लगेगा और बेनिफिशियरी का भी कंसेंट लगेगा। इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट सेकेंड है, इसका मतलब है कि कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कैंसिल या अमेंड नहीं किया जा सकता है बिना जो कंसर्न पार्टी है उसके कंसेंट के। फिर है कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को कहते हैं जिसमें कि किसी दूसरे बैंक ने, यानी कि जिस बैंक ने इशू किया है उसके अलावा किसी और बैंक का कन्फर्मेशन या गारंटी जो है उस पर एड किया गया है। नेक्स्ट है साइड क्रेडिट एंड यूजेंस क्रेडिट। साइड क्रेडिट जो है ऐसे एलसी को कहते हैं जिसमें कि पेमेंट जो है वो इशुइंग बैंक को जब ऑन साइट या ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटेशन जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन यूजेंस क्रेडिट में ड्राफ्ट जो है वो इशुइंग बैंक को ड्रॉ किया जाएगा और कोई करेस्पॉन्डेंट बैंक जो है उसको भी किया जा सकता है और उसमें जो यूजेंस पीरियड है वो स्पेसिफाइड होगा। फिर है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट को काउंटर वेलिंग क्रेडिट भी कहते हैं। इसमें एक एलसी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी, मतलब एक एलसी को सिक्योरिटी रख करके उसके बेसिस पे एक दूसरा एलसी ओपन करना, उसी को बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसमें जो ओरिजिनल क्रेडिट होता है, जो मतलब ओरिजिनल एलसी है उसको एज अ सिक्योरिटी ऑफर किया जाता है और उसी को सिक्योरिटी मान करके सेकेंड जो एलसी है वो ओपन किया जाता है, जिसको कि हम लोग ओवरराइडिंग क्रेडिट या प्रिंसिपल क्रेडिट भी कहते हैं। तो इसमें एलसी जो है वो ओपन होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी जो है वो मेंशन होगा जो कि एक्चुअल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर नहीं होता है। बेनिफिशियरी जो है वो एक दूसरा क्रेडिट एलसी जो है वो ओपन कराएगा इन फेवर ऑफ एक्चुअल सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफरिंग द मेन क्रेडिट ओपन इन हिज फेवर एज सिक्योरिटी। यानी कि जैसे एक बेनिफिशियरी है उसको एक एलसी इशू किया गया है, सेलर ने इशू किया है, वो उस एलसी को एज अ सिक्योरिटी रख के जहां से वो माल परचेज कर रहा है या जिस मैन्युफैक्चरर से वो माल परचेज कर रहा है उस एलसी के बेसिस पे उसको वो एक एलसी इशू कर सकता है, उसी को हम लोग बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट ओपन बाय एन इंटरमीडियरी इन फेवर ऑफ द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर सप्लायर, जिसको कि हम लोग बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फिर है नीड फॉर सच क्रेडिट्स अराइज मेनली व्हेन। अब इस तरीके के जो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत कब पड़ती है, जब अल्टीमेट बायर जो है वो ट्रांसफरेबल क्रेडिट जो है मतलब ट्रांसफरेबल एलसी नहीं इशू करता है, बेनिफिशियरी जो है ओरिजिनल सोर्स या सप्लाई जो है कहां से वो माल परचेज करके और बायर को सप्लाई कर रहा है अगर उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है तो, और एक्चुअल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो है वो अगर उनको पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए यानी कि इमीडिएट उनको पेमेंट चाहिए तो वो बेनिफिशियरी से जो है इस तरीके का एलसी का डिमांड कर सकता है। नॉर्मली बैक टू बैक जो लेटर ऑफ क्रेडिट है फ्रेंड्स वो सेफ नहीं होता है, ट्रांसफरेबल एलसी जो है वो इससे ज्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये ओरिजिनल बेनिफिशियरी के फेवर में कोई जो एलसी है इशू किया गया हो उसके बिहाफ पे एक सेकंड बेनिफिशियरी को जो है एलसी इशू किया जाता है या दो से ज्यादा लोगों को भी ये एलसी जो है वो इशू किया जा सकता है। एज पर यूसीपीडीसी एन एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड एज ट्रांसफरेबल इन द एलसी। उस एलसी में जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो मेंशन होना चाहिए कि ये एलसी जो है ट्रांसफरेबल है एज पर यूसीपीडीसी,
तभी वो ट्रांसफर हो सकता है। और ट्रांसफरेबल एलसी जो है एक ही बार ट्रांसफर हो सकता है, ये बार बार ट्रांसफर नहीं होता है। द फर्स्ट बेनिफिशियरी कैन हाइड द नेम ऑफ द एक्चुअल सप्लायर टू द बायर ओपनर एंड वाइस वर्सा। तो जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो एक्चुअल सप्लायर का नाम जो है वो हाइड कर सकता है बायर से। नेक्स्ट है स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये जनरली यूज किया जाता है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस गारंटी और फॉर सिक्योरिंग सिक्योर्ड लोन्स। नॉर्मली जिस कंट्रीज में बैंक गारंटी इश्यूज नहीं होती है वहां पे इस तरीके का एलसी जो है वो इश्यू किया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गारंटी की तरह होता है। फिर है इम्पोर्ट ऑपरेशन अंडर एलसी। इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट कब और कैसे इश्यू किए जा सकते हैं? तो इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई है जो कि गुड्स को इम्पोर्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, वो इसको इश्यू कर सकता है। या फिर कोई रेसिडेंट मर्चेंट ट्रेडर है जो कि गुड्स परचेज कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री और उसको सेल आउट कर रहा है अनदर कंट्री, जो कि मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, जिसमें कि आपने देखा था फ्रेंड्स कि एक कंट्री का ट्रेडर जो है वो कंट्री बी से माल खरीद के कंट्री सी को सेल आउट कर रहा है, तो इस तरीके के ट्रेड को हम लोग मर्चेंडाइज ट्रेड कहते हैं। या फिर कोई इंडियन एक्सपोर्टर है जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है एब्रॉड से कि वो गुड्स को इम्पोर्ट करेगा फ्रॉम थर्ड कंट्री टू द कंट्री वेयर ही इज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि वो किसी दूसरे कंट्री से गुड्स जो है इम्पोर्ट करेगा जहां पे उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन होंगे वहां पे इम्पोर्ट ऑपरेशन जो है इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट वो यूज किया जाएगा। अभी लेटर ऑफ क्रेडिट में फी एंड रिम्बर्समेंट्स क्या क्या है? तो इशूइंग बैंक जो है जब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करती है तो वो कुछ फी चार्ज करती है, तो वही सब अलग अलग फी है। तो सबसे पहला चार्ज है ओपनिंग चार्ज। ओपनिंग चार्ज जो इसको हम लोग कमिटमेंट चार्ज या यूजेंस चार्ज भी कहते हैं, ये दो तरह का होता है। कमिटमेंट पीरियड जो है ये जिस डेट को एलसी ओपन हुआ है और जिस डेट को डॉक्यूमेंट लास्ट निगोसिएट होगा, या फिर एलसी का जो एक्सपायरी डेट है इसमें से जो भी लेटर होगा विच एवर इज लेटर, उसको हम लोग कमिटमेंट पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड के लिए जो एलसी ओपनिंग बैंक होती है वो एक फी चार्ज करती है जिसको कि हम लोग कमिटमेंट फी कहते हैं। यूजेंस जो होता है, यूजेंस एक क्रेडिट पीरियड दिया जाता है बायर और सेलर के बीच में, ये होता है क्रेडिट पीरियड, और ये 7 डेज से लेके 90 to 180 डेज या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस जो भी यूजेंस पीरियड होता है उसके बीच में जो फी चार्ज होगा वो बैंक को पे करना होता है, जिसको कि हम लोग यूजेंस चार्जेस कहते हैं। फिर है रिटायरमेंट चार्जेस। रिटायरमेंट चार्जेस जो है जब एलसी रिटायर हो रहा हो, यानी जब एलसी एक्सपायर हो रहा हो, तो उस टाइम पे इसको पे करना होता है। और ये जो है जो गुड्स का वैल्यू होता है उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा एडवाइजिंग बैंक जो है एडवाइजिंग फी चार्ज करेगी, कंफर्मिंग बैंक जो है कंफर्मेशन फी कंफर्म करने का जो फी होगा उसको चार्ज करेगी, और रिम्बर्समिंग बैंक जो है रिम्बर्समेंट चार्ज जो है वो लिवाई करेगी। अब है रिस्क एसोसिएटेड विद ओपनिंग इम्पोर्ट एलसी। जो भी इम्पोर्ट एलसी है उसमें क्या क्या रिस्क होते हैं? तो जो प्राइमरी रिस्क है उसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टर। जो भी इशुइंग बैंक है वो प्राइमरली जो है गारंटी देती है ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर, इसीलिए बैंक को इम्पोर्टर की कैपेसिटी है कि नहीं पे करने की, उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, ये डिसाइड करना इशुइंग बैंक का काम होता है कि वो उस पेमेंट को ऑनर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इसी के बेसिस पे जो इशुइंग बैंक है वो इम्पोर्टर को के बेसिस मतलब इम्पोर्टर के बिहाफ पे वो एलसी इशू करेगी या ओपन करेगी। फिर है गुड्स। गुड्स का मतलब जो भी जिस चीज के लिए जो एलसी जो है वो बनाया जा रहा है जिस गुड्स के ट्रेड के लिए, तो उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। ये गुड्स जो है ये इसके साथ भी रिस्क एसोसिएटेड होता है जो कि उसकी पेरिसिबिलिटी, उसके पॉसिबल ऑब्सोलेंस और इम्पोर्ट रेगुलेशन, पैकिंग या स्टोरेज के बेसिस पे होता है। तो इसके इससे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो गुड्स में बेयर करने पड़ेंगे। फिर है प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क का मतलब है कि अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का कोई ट्रेड हो रहा है और एल्यूमिनियम का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइस रिस्क अराइज हो जाएगा। फिर है जेनेरिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क जो है ये नॉर्मली इम्पोर्टर्स के एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है कि वो कंसाइनमेंट को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द एक्सपोर्टर।
एक्सपोर्टर जो है उसका स्टेटस सही होना चाहिए ताकि वो गुड्स जो है वो सही गुड्स को एक्सपोर्ट करे ना कि सब स्टैंडर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि इस एलसी के ट्रांजैक्शन में बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में डील करती है, वो गुड्स को फिजिकली जो है वेरीफाई नहीं करती है। तो अगर जो एक्सपोर्टर है उसने अगर गलत गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो सेलर के पास इसको रिड्रेस करने का, सॉरी बायर के पास इसको रिड्रेस करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल रह जाता है कि वो इसको फ्रॉड प्रूफ करे और कोर्ट में इस इशू को लेकर जाए और बैंक को पेमेंट करने से रोक पाए। फिर है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क का मतलब है किसी भी कंट्री में अगर कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से या एक्सचेंज कंट्रोल की वजह से वहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो, जिसकी वजह से जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको हम लोग कंट्री रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है फॉरेन करेंसी में ही जो एलसी होता है उसका जो पेमेंट और रिसीट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है जो कि एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन आता है या उसमें कोई एडवर्स मूवमेंट देखने को मिलता है तो ये जो प्रॉफिट है इस ट्रेड ट्रांजैक्शन में उस प्रॉफिट को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। अब है किसी भी एलसी के अंदर एक्सपोर्ट ऑपरेशन का क्या मतलब है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो अगर किसी इंडियन रेसिडेंट्स के फेवर में एस्टेब्लिश किया गया है और इसको एस्टेब्लिश किया है किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इस तरीके के एलसी को हम लोग जो है एक्सपोर्ट ऑपरेशन अंडर एलसी बोलेंगे। इसका पर्पस क्या क्या है, कोई भी फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री अगर हो रहा है तो वहां पे इस तरीके के एलसी को यूज किया जाएगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए जो कि आउटसाइड इंडिया में प्रोजेक्ट होने वाला है तो उसको भी हम लोग करेंगे, इसको हम लोग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, तो वहां पे एक्सपोर्ट ऑपरेशन जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा एलसी के अंदर। फिर है कोई डीम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे गुड्स का जो मूवमेंट है वो फिजिकली ना होकर के इलेक्ट्रॉनिकली या किसी अदर मोड में हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट द सप्लाईज आर बींग मेड टू ए प्रोजेक्ट फिनेंस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज बाई मल्टीलैटरल एजेंसीज, और यहाँ पे सप्लाईज जो है वो एक प्रोजेक्ट फिनेंस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि फॉरेन एक्सचेंज में फिनेंस किया गया हो और वहां पे मल्टीलैटरल एजेंसीज ने भी फिनेंस किया हो, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। फिर है सेल्स ऑफ गुड बाय इंडियन एक्सपोर्ट्स। अगर कोई इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स को सेल कर रहा है तो वहां पे भी वो एक्सपोर्ट ऑपरेशन जो है वो कर सकता है एलसी का। फिर है एडवाइजिंग एंड एक्सपोर्ट एलसी। एडवाइजिंग एंड एक्सपोर्ट एलसी का मतलब यही है कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो एडवाइज करेगी और ये एडवाइस जो है वो रिसीव होगा अगर उसकी कोई ओवरसीज ब्रांच या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वहां पे उस जगह पे, तो वो उसको एडवाइस कर सकती है। अगर कोई बैंक जो है अगर किसी एलसी को एडवाइस करती है तो उसके साथ क्रेडिट रिस्क जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता है, क्योंकि ये उसका वन टाइम जो है कमीशन उसको मिलता है जिसमें कि कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता है और इसके लिए उसको कोई भी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है वो भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अभी है एडवाइजिंग ऑफ अमेंडमेंट टू एलसी। अगर कोई एलसी में कोई अमेंडमेंट किया गया है तो उसको भी जो है ओरिजिनल एलसी के साथ साथ जो अमेंडमेंट के बाद जो एलसी है दोनों को वेरीफाई करना है और उसको देखना है कि उसमें कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, या फिर कोई एलसी दो से ज्यादा या तीन बार से ज्यादा अगर अमेंड की गई है तो जो पिछला अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट इस जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करना वेरीफाई करना एडवाइजिंग बैंक का काम होता है। फिर है कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर कोई बैंक जो है वो उसमें अपना गारंटी ऐड करती है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में तो उसको हम लोग कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। इंडिया में जो ईसीजीसी है वो इस तरीके के रिस्क को कवर करता है जिसको कि ट्रांसफर गारंटी स्कीम के अंडर वो कवर करता है। ईसीजीसी जो है इस तरीके के गारंटी में दोनों कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों को ही कवर करता है। फिर है डिस्काउंटिंग या निगोसिएशन ऑफ एक्सपोर्ट एलसी। कोई भी एक्सपोर्ट जो है उसमें फंड कभी कभी ड्यू डेट के पहले, अगर यूजेंस का केस है तो ड्यू डेट के पहले अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो इस बिल को डिस्काउंट कर सकता है डॉक्यूमेंट को निगोशिएटिंग बैंक के साथ और उससे जो है क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकता है। फिर निगोशिएटिंग बैंक जो है यहाँ पे क्रेडिट रिस्क बियर करेगी और इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक के बिहाफ पे वो यहाँ पे उसको पेमेंट करेगी।
तो यहाँ पे निगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्री रिस्क भी हो रहा है कि अगर इशुइंग बैंक ने डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी की वजह से अगर पेमेंट रिफ्यूज कर दिया निगोशिएटिंग बैंक को देने से, तो वहां पे उसको डॉक्यूमेंट्री रिस्क राइज हो जाएगा और वो अपने कमिटमेंट को ड्यू डेट के ऊपर ऑनर नहीं करेगी, जिससे कि निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये उसके लिए यहाँ पे रिस्क राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट एलसी। इशुइंग बैंक जो है किसी एक रिम्बर्सिंग बैंक को नॉमिनेट कर सकती है, जो कि निगोशिएटिंग बैंक पर जो कि निगोशिएटिंग बैंक को परमिट करेगा कि वो रिम्बर्सिंग बैंक से पैसा कलेक्ट कर सके, तो उसको हम लोग रिम्बर्सिंग बैंक कहते हैं। रिम्बर्सिंग बैंक जो है नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन को चेक नहीं करती है, उसका काम होता है सिर्फ पेमेंट करना और पेमेंट लेना। फिर है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। किसी भी एलसी को कुछ कंप्लायंस जो है वो फॉलो करने होते हैं, तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला है ट्रेड कंट्रोल रिक्वायरमेंट, यानी कि बैंकर को ये हमेशा इंश्योर करना होता है कि जो भी गुड्स जो है जो एलसी में मेंशन किए गए हैं जिसके लिए ट्रेड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फिजिकली इंडिया में लाया गया है या नहीं लाया गया है। उसके बाद होता है एक्सचेंज कंट्रोल रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी पेमेंट का सेटलमेंट हो रहा है वो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अंडर में होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। फिर है यूसीपीडीसी गाइडलाइंस। आईसीसी जो है वो यूसीपीडीसी गाइडलाइन जो है वो बनाता है और इसने एक कोडिफाइड स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स जो है बना रखे हैं, जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म कस्टमर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स बोलते हैं, और इस अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है उसको हम लोग यूसीपी 600 बोलते हैं। तो इसमें जो भी गाइडलाइंस है वो ट्रेड ट्रांजेक्शन में फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है आईएसबीपी। आईएसबीपी जो है ये एक शॉर्ट नेम है आईसीसी पब्लिकेशन का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, जो कि आईसीसी बैंकिंग कमीशन ने अक्टूबर 2002 में अप्रूव किया था। ये एक तरह से एक चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड किसी भी ट्रेड ट्रांजेक्शन को या लेटर ऑफ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करने में। इसका जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो 2013 का एडिशन है और इसको आईसीसी बैंकिंग कमीशन ने अप्रूव किया था 2002 में। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मेंशन किए गए, जिसमें कि पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट, बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट, नॉन निगोशिएबल सी वे बिल, एनालिसिस, इंस्पेक्शन, हेल्थ, साइटो फाइटो एंड सैनिटरी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट्स जो है वो इसमें मेंशन किए गए। फिर है फेडाई गाइडलाइंस। फेडाई गाइडलाइंस का क्या काम है? ये एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बैंकों के एपेक्स फोरम की तरह काम करती है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के डील को ऑथराइज करती है। ये गाइडलाइन भी इशू करती है आरबीआई के साथ मिलकर के, जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बैंक का इंटरनल प्रोसीड्योर भी होता है, मतलब बैंक की अपनी एक इंटरनल गाइडलाइंस और प्रोसीड्योर होती है जो कि इस तरीके के ट्रेड ट्रांजेक्शन को जो है मॉनिटर करती है। इसमें उसने कुछ सेक्टर एक्सपोजर, इंटरबैंक लिमिट्स और कस्टमर लिमिट्स भी डिफाइन किए हुए हैं। आरबीआई को ये डेलीगेशन पावर है कि वो जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनको रेगुलेटरी पावर दे सकती है। बैंक जो है उनको अपना इंटरनल पॉलिसी फ्रेमवर्क और गाइडलाइन जो है वो बनाना है इस तरीके के ट्रांजेक्शन के लिए, और बैंकों में स्पेसिफाइड पर्सन भी होते हैं जो कि इस तरीके के गाइडलाइन को डे टू डे बेसिस में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एलसी के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं? तो इंपोर्टर के लिए एडवांटेज है कि इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल होते हैं और इसमें किसी भी फेवरेबल ट्रेड के लिए निगोशिएट करने की एबिलिटी होती है। इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिला है, इसमें करेक्ट डॉक्यूमेंट्स मिलने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो जितना उसमें मेंशन किया गया है वो एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्यूमेंट उसको मिले। ये एक टाई अप लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह भी काम करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एक्सपोर्टर के लिए एडवांटेज है कि यहाँ पे जो है इशुइंग बैंक उसको अंडरटेकिंग देती है कि उसको पेमेंट जो है वो मिल जाएगा। ये क्रेडिट रिस्क को इम्पोर्टर से इशुइंग बैंक के ऊपर शिफ्ट कर देता है। Not obligate to ship against a letter of credit that is not issued as agreed, और यहाँ पे जो है उसको कोई obligation नहीं है अगर letter of credit के जो letter of credit में जिस तरीके से mention है अगर उस तरीके से उसको अगर सारे terms and condition जो है वो जो buyer है वो fulfill नहीं करता है तो वो goods को ship करने के लिए obliged नहीं होता है।
डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस हो गया तो एक्सपोर्टर को नॉन पेमेंट का रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ेगा, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। रिस्क एनालिसिस देखते हैं। रिस्क एनालिसिस में क्या है कि अगर कन्फर्म्ड एलसी है तो एक्सपोर्टर को सबसे लीस्ट रिस्क होगा, क्योंकि उस एलसी में एक इश्यूइंग बैंक के अलावा एक कन्फर्मिंग बैंक का भी जो है कन्फर्मेशन एड होता है, और इम्पोर्टर को इसमें हायर रिस्क होगा। ठीक अनकन्फर्म्ड एलसी में इसके अपोजिट, जो एक्सपोर्टर है उसको हाई रिस्क होगा और जो इम्पोर्टर है उसको लो रिस्क होगा। एडवांस पेमेंट में जो एक्सपोर्टर है उसको लिस्ट रिस्क होगा और जो इम्पोर्टर है उसको हाई रिस्क होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।